नमाज पढ़ने के कुछ फिजिकल बेनिफिट्स। नमाज पढ़ना लंग्स के लिए बहुत अच्छा है। नमाज पढ़ने के कुछ फिजिकल बेनिफिट्स। नमाज पढ़ना लंग्स के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि वो लंग्स की एरोबिक कैपेसिटी बढ़ा देता है। ब्रेन हैमरेज और ब्रेन स्ट्रोक के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है। हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाते हैं। बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव होती है और हड्डियाँ मजबूत होती हैं। हेल्दी वेट मेंटेन करने में मदद मिलती है। बॉडी का डाइजेशन ठीक रहता है और मसल्स टोन्ड रहते हैं। कोशिश करें कि आप नमाज पाबंदी से पढ़ा करें। खजूर खाने के कुछ बेहतरीन फायदे। खजूर खाने से हार्ट अटैक के चांसेस कम होते हैं। दिमाग तेज होता है, जिस्मानी ताकत आती है। आंखें तेज होती हैं, बॉडी में खून बहुत तेजी से बनता है। पेट से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं वो खजूर खाने से खत्म होती हैं। प्रेग्नेंट लेडीज के लिए खजूर बहुत अच्छे माने जाते हैं। खजूर हाई इन फाइबर होते हैं और इनमें विटामिन ए, बी और सी पाया जाता है। तो अब आपको समझ आया कि अल्लाह ताला क्यों चाहता है कि आप अपना रोजा खजूर से खोलें। क्या आपको पता है मस्जिदुल अक्सा इस्लाम में क्या अहमियत रखती है? अक्सा मुसलमानों का पहला किबला थी। मक्का और मदीना के बाद मस्जिदुल अक्सा इस्लाम में तीसरा हरम है। कुरान में अक्सा का 70 मर्तबा जिक्र है। अल्लाह ने कुरान में खुद मस्जिदुल अक्सा को एक मुबारक जगह का मुकाम दिया है। इस जगह कई नबी, रसूल और सहाबा दफन है। मेराज की रात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिदुल अक्सा से अर्श पर उठाए गए थे। अक्सा की हिफाजत हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। इस्लाम में बेटियों को रहमत समझा जाता है, बोझ नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि वो औरत खुश किस्मत है जिसकी पहली औलाद एक बेटी हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया है कि जो भी अपनी बेटियों को मोहब्बत से और उनके सारे हक देकर पालेगा तो कयामत के दिन ये बेटियां उसके लिए जहन्नुम से रिहाइश का जरिया बनेंगी। बेटियां अल्लाह की रहमत हैं, तो इस तोहफे को मोहब्बत से रखें। आपका लाइफ पार्टनर अल्लाह ने आपकी पैदाइश से पहले ही लिख दिया है। आपकी रूह आपके लाइफ पार्टनर के साथ बनाई गई थी। आपका निकाह जिससे होना है उसका नाम आपके नाम के आगे कई हजार साल पहले लिखा जा चुका है। जो आपकी किस्मत में होगा वो आपको मिलकर रहेगा। तो परेशान होना छोड़ दीजिए और अपने लिए और अपनी आने वाली जिंदगी के लिए बेहतरीन दुआएं मांगा करिए, क्योंकि आपकी दुआएं कबूल होकर आपकी जिंदगी खूबसूरत बना सकती हैं। अगर आप अपने रिजक को लेकर हर वक्त परेशान रहते हैं तो फिक्र मत करिए, क्योंकि अल्लाह का ये वादा है कि इंसान को तब तक मौत नहीं आएगी जब तक उसकी किस्मत में जितना रिजक लिखा हो उसे मिल ना जाए। अल्लाह ने जितनी सांसें मुकर्रर कर दी हैं, इंसान को तब तक मौत नहीं आ सकती जब तक वो पूरी सांसें ना ले ले, ना एक सांस ज्यादा ना एक सांस कम। जब तक आप अपनी किस्मत में लिखा हुआ खाने का एक एक दाना खा ना लें। आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अगर रमजान में मुझे लैलतुल कद्र नसीब हो तो मैं अल्लाह से क्या दुआ मांगू, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ बताई, अल्लाहुम्मा इन्नका अफुवुन तुहिब्बुल अफवा फाफू अन्नी। ए अल्लाह, तू माफ करने वाला है और माफ करने को पसंद करता है, बस तू मुझे माफ फरमा दे। कोशिश करें कि लैलतुल कद्र में ये दुआ। 5 चीजें जो आपको लैलतुल कद्र यानी शबे कद्र में जरूर करनी चाहिए। अपने गुनाहों की माफी मांगे। शबे कद्र में अल्लाह सबसे ज्यादा इंसानों को माफ करता है। नमाजें पढ़ें, स्पेशली तरावी और तहज्जुद की नमाज। सदका करें, कुरान पढ़ें, क्योंकि कुरान रमजान में उतरा था। खूब सारी दुआएं मांगे। शबे कदर की रात अल्लाह दुआएं कबूल करता है। खास तौर से ये दुआ बताई है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफुवुन तुहिब्बुल अफवा फाफू अन। क्या आपको पता है कि जहन्नुम में एक कोल्ड पोर्शन भी है जिसका नाम है जमहरीर, जहां पर सर्दी का अजाब होगा। जमहरीर में इतनी सर्दी होगी कि जहन्नुमी अल्लाह से भीख मांगेंगे कि उन्हें थोड़ी सी गर्माहट मिल जाए। इतनी शदीद सर्दी कि आपकी स्किन को जलाने लग जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खास दुआ बताई है, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिन जमहरीरी जहन्नुम। ओ अल्लाह, सेव अस फ्रॉम द एक्सट्रीम कोल्ड ऑफ जहन्नुम। जहन्नुम के सर्द अजाब से भी मगफरत मांगे।